तुलसी को काफी धार्मिक और पवित्र माना जाता है। तुलसी को एक लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तो इस तुलसी की ना दोस्तों आज हम केयर जानेंगे, तुलसी की इस फर्टिलाइजर से कैसे केयर करेंगे ये आप इस वीडियो में जानेंगे। इसकी एक चम्मच ना आपके तुलसी को सर्दियों में खराब होने से, कीड़ा लगने से बचाएगी। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है सर्दियों में जो तुलसी होती है ना वो खराब हो जाती है, तो हमें उसे कैसे बचाया जाए ऐसी कुछ टिप्स दूंगी मैं आज। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे ना तो 101% आपकी तुलसी नहीं खराब होगी। क्योंकि तुलसी में ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जिससे कि हमारी तुलसी खराब हो जाती है और हम हो जाते हैं हताश। क्योंकि घर में इस तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो हर एक घर में ये तुलसी पाई जाती है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम जो है ना वो खास करके नॉर्मल पाई जाती है। तो आज हम जान लेंगे कि इस एक चम्मच से आप अपनी तुलसी को कैसे बचाएं और कैसे इसको संभाल कर रखें। सबसे पहले दोस्तों हम ना अपनी तुलसी को इस तरीके से उसकी जो मंजरियां है ना वो कट कर लेंगे। बिल्कुल आप कॉर्नर से कट मत कीजिए, थोड़ा सा नीचे, ताकि दोबारा ये जो उसकी सीड्स हैं, ये जो उसके फ्लावर्स हैं वो दोबारा जल्दी ना आए। इससे क्या होता है ना, आपकी जो तुलसी है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो इसे जरूर निकाल दीजिए। और दोस्तों कहते हैं कि तुलसी में अगर मंजरी आती है ना तो तुलसी का सरदर्द होता है, तो तुलसी जी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए पीले पत्ते हो गए, इस टाइप से आप इनको रिमूव करते रहिए। तो मैं देखिए पहले, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है तुलसी का, अगर आपको अपनी तुलसी को हेल्दी बनाना है तो आप इस तरीके से इसकी सारी मंजरी को कट कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, देखिए थोड़ा सा नीचे एकदम से टिप से करेंगे ना तो क्या होगा, तुलसी दोबारा से इसमें फ्लावर बड़ी जल्दी आ जाएंगे, मतलब 2 से 3 दिन में इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। दोस्तों प्रून करने से क्या होता है ना, आपका प्लांट और ही अच्छी ग्रोथ करता है। अब मैंने जहां जहां से एक बार कटिंग करी है ना वहां से तुलसी की ना साइड से ब्रांचेस आएंगी, तो आपकी तुलसी क्या होगी वो और भी घनी हो जाएगी। तो इसको कट करने से बिल्कुल मत घबराइए, टाइम टू टाइम जो है ना इसकी मंजरी को बिल्कुल कट कर दीजिए। इससे जो तुलसी है बिल्कुल उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है दोस्तों। तो ये कुछ मंजरियां हैं मैंने निकाल दी है, ये आप देख सकते हैं ये मंजरियां मैंने निकाल दी हैं। इन्हीं में सीड्स भी होते हैं, अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप इसको टिके रहने दीजिए, बट ग्रोथ कम हो जाती है अगर आप इसे अपने प्लांट में रुकने देंगे। तो फर्स्ट आप ये कर लीजिए। सेकंड दोस्तों, इसमें जो पीले पत्ते होते हैं ना, ये पीले पत्ते, इन्हें आप रिमूव कर दें। इन पीले पत्तों को बिना तुलसी से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। ये दो काम आप करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए इन चीजों को, तो सर्दियों में आपकी तुलसी जो है वो कभी भी खराब नहीं होगी, ये गारंटेड है। और दोस्तों अब कुछ टाइम बाद ठंड होने वाली है, मतलब ठंड स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपनी तुलसी को ना ऐसे ही बालकनी में शिफ्ट कर दीजिए, ताकि इसमें ओस की बूंदें पड़ती है ना तो तुलसी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओस की मार से ये बचे तो आप इसको पहले ही संभाल के रख दीजिए, ताकि आपकी तुलसी जो है वो सर्दियों में कभी भी खराब ना हो। अब इसमें एक भी पीला पत्ता नहीं है और इसमें देखिए मैंने मंजरियाँ भी काट दी है। थर्ड आप दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तुलसी की सतह पर ये पत्ते जो होते हैं ना इनको भी हटा दीजिए, ये भी ना फंगस पैदा करते हैं आपकी मिट्टी में, आपके प्लांट में, जिससे क्या होता है आपका तुलसी का प्लांट जो है वो खराब हो जाता है। तो ये सूखे पत्तों को बिल्कुल हटा दीजिए अपने प्लांट से। दोस्तों ये देखिए फोर्थ आप इनको फॉलो कीजिए, ये कुछ आपकी सूखी चाय पत्ती है जो यूज टी होती है, मैंने अच्छे से सनलाइट में सुखा लिया है धूप में इसको, और इसमें से अदरक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिल्क और शुगर को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और धूप में सुखा लीजिए। तो इसकी 2 मुट्ठी आप अपने प्लांट में दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हल्दी आपके सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और हम इसमें ऑर्गेनिक चीज यूज करना चाहते हैं क्योंकि तुलसी एक धार्मिक पौधा है। तो दोस्तों ये इसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपकी तुलसी में फंगस लगने से बचती है, ऐसा ही काली मिर्च में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इसे भी जरूर यूज कीजिए, इसके 8-10 दाने आप अपने प्लांट में दीजिए। इसमें तो सोडियम, पोटेशियम और कई विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि आपके प्लांट को बचाते हैं खराब होने से। तो ये तीनों चीजें मैं अपने तुलसी के पौधे में यूज करूंगी। मैंने प्लांट की गुड़ाई कर ली है, तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए। और 2 मुट्ठी ये सूखी चाय पत्ती, अगर आपके पास नहीं है यूज की तो आप 2 चम्मच वैसे भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी ये हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, अगर आपके प्लांट में चींटी लगी हुई है या इन कोई भी काले वाले कीड़े होते हैं, इसमें ब्लैक कीड़े की शिकायत भी रहती है, तो उसमें भी ये बहुत असरदार रहती है। आप मिट्टी में भी डाल दीजिए और नहीं तो स्प्रे बॉटल में भी भर के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, उससे आप अपने तुलसी के प्लांट में अच्छे से स्प्रे कीजिए, ताकि आपके तुलसी में जो भी आपके प्रॉब्लम होगी फंगस या कीड़े वगैरह की या चींटी वगैरह की, तो आपकी तुलसी से वो गायब हो जाएगी। और दोस्तों इसको मैं दे दूंगी पानी, आप देखिए इस तरीके से। दोस्तों इसमें क्या होता है, ओवर वाटरिंग से आपका तुलसी का प्लांट हमेशा खराब होता है। तो दोस्तों जैसा कि जान मानते हैं कि तुलसी के पौधे को
डेली मतलब सब घर का हर एक मेंबर पानी देता है, मगर मेरा कहना यह ना कि हर एक मेंबर पानी दीजिए मगर पानी की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप हर एक घर का सदस्य एक एक लोटा इसमें पानी देगा तो क्या होगा तुलसी जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तुलसी क्या होती है हमेशा ओवर वाटरिंग से खराब होती है, तो आप अपने साइज जो है ना लोटे का छोटा कर दीजिए जिससे कि आप इसमें पानी भी डालेंगे ना तो ये ओवर वाटरिंग से खराब नहीं होगी। आप तुलसी में कब वाटर की जरूरत होती है जब आप देखना दोस्तों इसके पत्ते जो है ना वो ऐसे मुरझा से जाते हैं, अभी इसके पत्ते देखिए आप देखिए ठीक हो रहे हैं हरे भरे हैं, जब आपको तुलसी के बिल्कुल ऐसे डल से पत्ते दिखेंगे ना तो आप समझ जाइए इसको पानी की जरूरत है, और इसकी मिट्टी जब आपको ड्राई दिखे तब आप इसको पानी दीजिए तो आपकी तुलसी दोस्तों कभी नहीं खराब होगी, ये मेरी 101% गारंटी है दोस्तों। तो इसे मैंने रख दिया है अपनी बैल्कनी में अब, और दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होती है ओस की प्रॉब्लम भी होती है, तो हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी कि इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको ये इसका एक चम्मच इसमें जादुई प्रभाव दिखाएगा, ये मेरा गारंटेड चीज़ है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। तो इसे ना हम इसे मैं दूंगी इस तुलसी में दोस्तों, इसकी एक चम्मच मैं एक लीटर पानी में डिजोल्व करके ये इसमें स्प्रे बॉटल आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये बहुत जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाता है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको शेक कर लीजिए और ये देखिए इसका ऐसे स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से नहला दीजिए इसको, इससे क्या होगा ना आपके पत्ते जो पीले हो रहे हैं जिनमें शाइन नहीं आ रही और आपके पत्तों की ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी तुलसी में, तो बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों इसका। आपको अभी 4 to 5 days में ही ना इसका रिजल्ट निकलेगा, दिखेगा आपको कि इसमें न्यू लीव्स भी आ गई हैं और आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो मैं हमेशा तुलसी में एप्सम सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरी तुलसी कभी भी सर्दियों में भी ख़राब नहीं होती है दोस्तों। तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है तुलसी में खास करके, जैसे कि सर्दियों में क्या होता है ना ओस पड़ती है, तो क्या होता है जैसे कि हमारी तुलसी ख़राब हो जाती है, तो आप ना इस तरीके से एक कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और अपनी तुलसी में ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से आप डाल सकते हैं जिससे कि आपकी तुलसी ना खराब नहीं होगी। मैं दोस्तों वैसे बालकनी में है तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा, तो इस तरीके से आप अगर आप छत पे है आपके पास बालकनी नहीं हैगी स्पेस नहीं है तो आप इस तरीके से ना थोड़ा बड़ा कपड़ा लेके अपनी तुलसी में रात के टाइम मतलब शाम को जब आप ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से डाल दीजिए जिससे कि होगा तुलसी में ओस नहीं पड़ेगी और आपकी तुलसी बच जाएगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी तुलसी कभी भी ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटेड बात है, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कभी भी तुलसी नहीं लाती हूँ, मेरी हमेशा सर्दियों वाली तुलसी ही गर्मियों वाली तुलसी सेम रहती है। और ज़्यादातर क्या होता है लोगों की सर्दियों में तुलसी जो खराब हो जाती है फिर वो गर्मियों में फिर से नई तुलसी लाती है, तो दोस्तों बहुत दुख होता है तुलसी जब खराब होती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज़ें जैसे मैंने बताई है, तो आपकी 101% तुलसी कभी भी सर्दियों में ख़राब नहीं होगी। और मैं ना इसका अपडेट आपको दूंगी कि किस तरीके से इस और भी मेरी तुलसी में मेरा तुलसी जो है बुशी हो गई घनी हो गई और इसका क्या रिजल्ट आया। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पे, और अगर पुराने हैं तो एज यूजुअल लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।